नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आधार कार्ड सॉल्यूशन में। दोस्तों कुछ दिन से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कमेंट बॉक्स में आ रहे थे कि सर आयुष्मान कार्ड के बारे में कुछ बताएं, जिन लोगों के नाम नहीं है या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको भी सुविधाओं का लाभ कैसे मिले और नए लोग कैसे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकें। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयुष्मान मित्र, इनका नाम है आकाश प्रणामी, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इनसे लाइव पूछेंगे। हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार, हॉस्पिटल CSC कालपी आरोग्य मित्र। तो सर आज हमारा सवाल ये है, जो भारत सरकार द्वारा 2018 में जो आयुष्मान भारत योजना चलाई गई थी, बहुत सारे लोगों के हमारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये किस आधार पर, जो लोगों के नाम है इस समय किस आधार पर, लोग आधार पर आयुष्मान कार्ड अपना बनवा रहे हैं। योजना 2011 में आर्थिक जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनकी योजना ये चलाई गई थी, जिनके 2011 की सूची में नाम है आर्थिक गरीब हैं, जनगणना हुई थी उसमें सूची में नाम उनके नाम आप बनवा सकते हैं, कार्ड निःशुल्क बनवा सकते हैं। अच्छा, तो इनकी लिस्ट है, तो ये जो आर्थिक रूप से जो जनगणना हुई थी जो 2011 में, उसके आधार पे ये लिस्ट जो पहुंचाई गई है उनके नाम उन्हीं के आयुष्मान कार्ड बनवा जाए। और जो जिन लोगों के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं और लिस्ट में नाम नहीं है तो वो लोग क्या करें? उनका या BPL राशन कार्ड होना चाहिए, अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए, या जो मजदूरी कार्ड बना उत्तर प्रदेश श्रम कार्ड, उनका उन लोगों को भी कार्ड आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बन सकते हैं। अच्छा, तो और जिन लोगों के लिस्ट पे नाम है वो लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने कहाँ जाएं? वो अपने पास में जन सुविधा केंद्र में जा सकते हैं, या गांव में पंचायत शायद इस समय बना रहे हैं, या सरकारी अस्पताल में या निजी सूचीबद्ध अस्पताल है उनके, वहाँ पर जाकर निःशुल्क बनवा सकते हैं। तो वहाँ पे आयुष्मान मित्र वगैरह जो हॉस्पिटल में चाहे जा सकते हैं वो बना देंगे। निःशुल्क फीस क्या है? निःशुल्क है, फ्री है। तो आप लोगों को जानकारी मिली होगी बहुत सारी कि जिन लोगों के नाम नहीं है, जैसा कि सर आकाश ने बताया अभी, जिन लोगों के नाम नहीं है उन लोगों पर लाल राशन कार्ड होना चाहिए या तो श्रम कार्ड होना चाहिए। तो वो लोग अपना नाम फिर उसमें आयुष्मान कार्ड में जुड़वा सकते हैं, जो बाकी लोगों को लाभ मिल सकता है पहले वो अपना राशन कार्ड बनवाएं। और इसमें लाभ क्या क्या होता है कार्ड में? इसमें एक प्रति साल में 5 लाख का इलाज है, आज इंडिया में आप इलाज करवा सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, टोटल अस्पताल है 28215। ये सूचीबद्ध है, हाँ। इसमें प्राइवेट कितने हैं? प्राइवेट है 12841, निजी सूचीबद्ध अस्पताल 15374 अस्पताल। तो जैसा कि अभी आकाश बताया कि 28215 सरकारी हॉस्पिटल सरकार सूचीबद्ध कर रखे हैं, 28215। अभी उन्होंने बताया प्राइवेट इसमें है 12841 और सरकारी है 15374। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और एक दो और सवाल ले लेते हैं जो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आते थे। सर इसमें कोई ऐसा कोई नंबर है जो कस्टमर्स लोग हैं जो मतलब आयुष्मान कार्ड धारक हैं सरकार के पास, या जिनके नाम नहीं है वो आयुष्मान जा नहीं पा रहे हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सरकार ने ऐसा कोई नंबर? सरकारी नंबर दो नंबर है, सरकारी टोल फ्री नंबर है, आप पूरे भारत में कहीं भी लगा सकते हैं, 14555 14555 14। और दूसरा एक नंबर है 18001115 65 18001115 65, दोनों नंबर पे आप निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आयुष्मान भारत में, अभी सब ने बताया कि आयुष्मान भारत में क्या है, जैसे आप किसी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आप एक प्रीमियम शुल्क जमा करती है, तब जाके आपको एक रिकवर इंश्योरेंस वगैरह मिलता है इंश्योरेंस। लेकिन भारत सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड जो आयुष्मान भारत योजना चलाई वो उसमें क्या है, नो प्रीमियम, कोई शुल्क जमा नहीं करना है पूरे भारत में, और आप कितने का 5 लाख का बीमा कवर मिलता है एक फैमिली में। वैसे आपके पांच परिवार में पांच लोग हैं तो प्रति परिवार 5 लाख रुपए का। तो
अब जैसे अभी अभी कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर गोल्डन कार्ड बनवाना है, कुछ लोगों के आया आयुष्मान कार्ड बनवाना, तो ये गोल्डन कार्ड आयुष्मान कार्ड क्या कुछ अलग अलग है क्या? नहीं नहीं, ये एक ही कार्ड है, एक ही कलर इसका आयुष्मान कार्ड एक ही कार्ड है, इसमें प्रिंट आता है ना गोल्डन कलर का। हाँ, इसलिए लोग भ्रम में हो जाते हैं गोल्डन कार्ड और आयुष्मान कार्ड एक ही कार्ड है। अभी मैंने को सोचा एक लोगों का गोल्डन कार्ड, मुझे ऐसा लगा कि सोने वोने कलर का कोई कार्ड है। नहीं नहीं, इसका कलर है इसलिए लोग इसे समझते हैं गोल्डन कार्ड है। तो दोस्तों, आज के हमारे सारे कमेंट्स, जितने भी सवाल थे हमारे दर्शकों के, मैंने सबका जवाब लाइव आयुष्मान आरोग्य मित्र से मैंने सारे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके और आपके साथ आपके दोस्त आपके मित्र आपके परिवार वालों को भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, आपकी और कोई समस्या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे फिर से सर को बुला करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। नमस्कार।